राजधानी में जलाभिषेकम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जल संरचना का वर्चुअली लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिंटो हॉल में आयोजित जलाभिषेकम कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जुड़े। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन के दौरान पुरानी यादें ताजा करते हुए सीएम शिवराज सिंह के कामों की जमकर तारीफ भी की। जब शिवराज सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, और उस समय पानी का बड़ा भारी संकट था। मुझे उस समय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मध्य प्रदेश में था, और शायद शिवराज जी को याद होगा, जलाभिषेक का सबसे पहला कार्यक्रम हम लोगों ने नीमच जिले में किया था, क्योंकि नीमच में पानी का संकट हो गया था। उसके बाद कपिल धारा योजना बनी, जगह जगह कूप खोदे, और जनजाति क्षेत्र में इसका भी बड़ा निश्चित रूप से लाभ हुआ। मध्य प्रदेश काम के मामले में, सिस्टम के मामले में और नेतृत्व के मामले में अव्वल प्रांत रहा है। मुझे ध्यान है कि जब ये मनरेगा योजना बनी थी, उस दौरान सारा देश मनरेगा को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इस बात का प्रयत्न किया जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था कि पहले और दूसरे वर्ष में केंद्र सरकार के कुल बजट का 48% व्यय मध्य प्रदेश राज्य ने किया। यह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश राज्य के सिस्टम, वहां की कार्यपालिका, नेतृत्व, उसके ही कृतित्व का परिणाम है। और तब से लेकर आज तक लगातार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, चाहे वो ग्रामीण विकास का मामला हो, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने का मामला हो, महिलाओं की दृष्टि से उनके कल्याण का विषय हो, कृषि को उन्नत कृषि के रूप में तब्दील करने का काम हो, गांव गरीब और विकास के मामले में शिवराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम मध्य प्रदेश में हुआ है। कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आने वाले 3 सालों में हर घर में नल और जल पहुंचाने की बात कही। मध्य प्रदेश में जो आज ही हमने लोकार्पण किया है, श्रद्धेय राजनाथ जी के हाथों 57,653 जल संरचना जो कोरोना काल में बनी, इनमें से 53,517 मनरेगा में बनी और 4,136 वाटर सेट के क्षेत्रों में बनी है। 17,604 व्यक्तिगत तालाब बने, 2,365 सामुदायिक खेत तालाब बने, 5,119 तालाब है, 1,972 पर्कुलेशन टैंक है, 5,773 स्टाफ डैम या चेक डैम है, 19,008 कपिलधारा कुएं हैं, 2,558 सामुदायिक कूप है, 864 बावड़ियों का उद्धार किया गया है, 95,462 हेक्टर जमीन सिंचित होगी बिना 1 इंच जमीन अतिरिक्त डुबाए। ये लगभग 1,00,000 हेक्टर जमीन, मतलब लगभग 2,50,000 एकड़ जमीन में इन जल संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था का चमत्कार अगर कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में हर कोई परेशान था, ऐसे में सीएम शिवराज ने प्रदेश की जनता की मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने हर संभव मदद विपरीत समय में की है। कोरोना काल के उस भीषण संकट में, जब हजारों मध्य प्रदेश के मजदूर विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रांतों में थे और आने जाने का साधन नहीं था, रोटी की व्यवस्था नहीं थी, और उस समय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ
अपने कार्यों को अंजाम दिया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखे रहेगी। और मेरा सौभाग्य इस बात के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपकर मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास कराया और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि मनरेगा के माध्यम से जितने भी चाहो विकास कार्य किए जाए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मनरेगा को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि मनरेगा का बेहतर इस्तेमाल करने का लगातार प्रयास किया है। मजदूर बहनों भाइयों को ठीक से काम मिले, इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के बजट में वृद्धि की थी और 61,000 करोड़ के बजाय वो बढ़ के 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया था। एक और योजना प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना बनाई थी, 50,000 करोड़ रुपया उसमें बजट में आवंटन किया था। मध्य प्रदेश ने इसको मिशन के रूप में लिया और हमने ये प्रयास किया, एक तरफ बाहर से आने वाले और स्थानीय स्तर पर रहने वाले हमारे मजदूर भाई और बहनों को काम मिल पाए, वहीं दूसरी ओर मनरेगा किस राशि का उपयोग एक परमानेंट असेट के रूप में, जो काम अत्यंत आवश्यक है, किया जाए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के कई जिलों में मजदूरों और ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज।